75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। वहीं बटालियन के एसएएफ जवानों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत कर सलामी भी दी। इस मौके पर सांस्कृतिक और रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार साल भर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से चैतन्य है और हर रोज 70,000 के ऊपर टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर नहीं आने देंगे, इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस के उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस के जिम्मे आरोप लगाने का काम रह गया है और वे वही कर रहे हैं। राज्य सरकार भी पूरे साल तक राष्ट्रीय कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप देश की गरिमा और प्रदेश की गरिमा के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे। पूरी तरह से हम चैतन्य हैं और 70,000 से ऊपर लगभग रोज टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना जहां भी मिलेगा वहीं उसका फन कुचल देंगे, पर तीसरी लहर नहीं आने देंगे, ऐसे संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। सर, विजयलक्ष्मी साधु ने आरोप लगाया कि जन आशीर्वाद यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक है, अब उनके जिम्मे आरोप लगाना है वो लगाए।